प्रक्रिया है उसमें दूसरा कोई घुस नहीं सकता है। जो जुडिशियल का प्रक्रिया है बहाली का, किसी तरह मेहनत करके पिछड़ा वर्ग के लोग प्रशासनिक में और विधायिका में घुस जा रहे हैं, लेकिन आपके मीडिया में भी अभी जो वर्चस्व है क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मीडिया से आप भी जुड़े हुए हैं। मीडिया के आज जो लोग हैं, बल्कि अच्छा रहेगा कि मीडिया के लोग बीजेपी का झंडा लगा लगा के अपने दफ्तर में और वह अनाउंस करें, एंकर का काम करें। 52% हो, 54% हो, इसका जनसंख्या क्यों नहीं करवाना चाहता है? यहाँ जानवर की जनसंख्या हो गया, आदमी में हिंजड़ों की जनसंख्या जनगणना हो गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग की जनगणना क्यों नहीं करने देता? इसका मुख्य कारण है कि पिछड़ा वर्ग का अगर जनगणना हो जाए, खरीद करके खरीदने का प्रचलन का शुरुआत किए और खरीद करके 5 साल चलाए। अटल जी प्रधानमंत्री 5 साल चलाए, वो 28 गो दल को नया समीकरण जो NDA बनाए, लेकिन गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री 5 साल क्यों नहीं टिकते थे? सोनिया गांधी जैसे ही गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री और देश का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, ईमानदार व्यक्ति। पिछड़ा संघर्ष मोर्चा का आज दुमका में महासम्मेलन चल रहा है और धनबाद से चलकर आए हैं हमारे चंद्रदेव यादव जी। हम उनसे बात करेंगे, आखिर 75-76 साल होने को हो, झारखंड का बना 23 साल हो गया है, लेकिन पिछड़ों के जो स्थिति है वो बद से बदतर होता जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सब मुद्दों पे हम आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में है चंद्रदेव यादव जी, चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइए कि 23 साल युवा झारखंड हो गया है, लेकिन आज भी पिछड़ों की स्थिति बद से बदतर हो गया है। सरकारें आती है, पिछड़ों की मुख्यमंत्री भी बना, लेकिन पिछड़ों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। देखिए सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा रह गया, इसका कारण मुख्य रूप से है कि पिछड़ा वर्ग का जो भी नेता उभरते हैं वह पिछड़ों को वोट को इस्तेमाल करते हैं और वह अपने सुख सुविधा में ऐसो आराम में पिछड़ों को भूल जाते हैं। अगर जितना पिछड़ा का जनसंख्या है, पिछड़ा अगर जिस दिन जागरूक हो जाए तो इसके सामने कोई नहीं टिकेगा। जिसका आबादी 52% हो, 54% हो, इसका जनसंख्या क्यों नहीं करवाना चाहता है? यहाँ जानवर की जनसंख्या हो गया, आदमी में हिंजड़ों की जनसंख्या जनगणना हो गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग की जनगणना क्यों नहीं करने देता है? इसका मुख्य कारण है कि पिछड़ा वर्ग का अगर जनगणना हो जाता है तो यह जागरूक हो जाएगा और यह देखेगा कि मेरे जनसंख्या के अनुपात में मेरा कितना हक हिस्सा मिला हुआ है, इसलिए इसका जनगणना नहीं होने देता है। और जो 3% के लोग हैं आज तक सत्ता पर काबिज है, सत्ता से लेकर के प्रशासन से लेकर के और न्यायपालिका में तो करीब करीब 99% एक ही 3% वाला में से ही काबिज है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में जो उसका बहाली का प्रक्रिया है उसमें दूसरा कोई घुस नहीं सकता है। जो जुडिशियल का प्रक्रिया है बहाली का, किसी तरह मेहनत करके पिछड़ा वर्ग के लोग प्रशासनिक में और विधायिका में घुस जा रहे हैं, लेकिन आपके मीडिया में भी अभी जो वर्चस्व है क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मीडिया से आप भी जुड़े हुए हैं। मीडिया के आज जो लोग हैं, बल्कि अच्छा रहेगा कि मीडिया के लोग बीजेपी का झंडा लगा लगा के अपने दफ्तर में और वह अनाउंस करें, एंकर का काम करें, तो बहुत अच्छा लगता, लोगों को शोभा भी देता है। और पिछड़ा वर्ग का वोट ले करके पिछड़ा वर्ग के नेता वह कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और पिछड़ा वर्ग को भूल जाते हैं, इनको जगाने का काम नहीं करते हैं। जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगा, जागरूक होगा और अपना हक की लड़ाई ले लेगा। अच्छा, एक कारण वो भी बड़ी कारण हम जैसे कि समझते हैं, पिछड़ा वर्ग धर्म के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा आस्था है, कहीं यही इसके पिछड़ेपन का तो कारण नहीं है? पिछड़ा वर्ग को बहुत चलाकी से एक जात जो ब्राह्मण जात और जब भी वर्ण है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था बचपन से ही ऐसा उसको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया गया है कि वह धर्म में बंध गया है, वह जो उसका वक्ता कहता है वैसे ही वह सुनता है। झूठ का तब तक वह प्रचार करते रहता है जब तक पिछड़ा और दलित ये नहीं मान ले कि ये सच है, तब तक वह झूठ को एक तरफा प्रचार करते रहेगा।
जो हम अभी थोड़ा देर पहले बोले कि आपके मीडिया के भाई लोग भी हैं कि जो बीजेपी के झंडा केवल नहीं लगाते हैं लेकिन वो झूठ को बीजेपी का महिमा मंडित तब तक करते हैं जब तक दबे कुचले लोग उसको सच न माने। लेकिन इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं पिछड़ा, क्योंकि आने वाले समय में और पिछड़ों की स्थिति भयावह होने वाली है। आने वाला समय में भयावह इसलिए भी होगा और नहीं तो भयावह नहीं होगा अगर जागरूक हो जाएंगे। जिस दिन जातीय जनगणना होगा आप भी मोटा मोटी समझ जाइए कि जिस तरह एक जानवर हाथी है, हाथी का आँख बहुत छोटा होता है, वो अपने शरीर को नहीं देख पाता, उसी तरह पिछड़ा है। पिछड़ा को जिस दिन जनगणना होने के बाद इसको अब मालूम हो जाएगा कि हमारा जनसंख्या इतना है और हमारा हिस्सेदारी इतना कम है, वो जिस दिन अपना शरीर को देख लेगा वह किसी को नहीं समझेगा, सबको सूंड में लपेट करके पटक देगा। अच्छा, आज़ादी के बाद अब तक जितने पार्टियां बनी उसमें सब वर्चस्व फॉरवर्डो कर रहा है और ये पिछड़े हमेशा उसका झंडा ही ढोए हैं, आज भी ढो रहे हैं। देखिए अब खुलासा हम कर देना चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी का समर्थक नहीं है लेकिन खुल करके हम कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, 1950 से लेकर के आज 2023 चल रहा है, आप उठा कर देख लीजिए जब भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के प्रधानमंत्री जो नहीं बना, गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने, तो बीच में 5 साल कोई प्रधानमंत्री नहीं टिके। इसका क्या कारण है? चाहे वह मोरारजी देसाई के बाद चंद्रशेखर जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, बीपी सिंह जी हों, एचडी देवगौड़ा जी हों, जो भी हों, जबकि नरसिंहा राव जी बहुत सारे सांसद को, आप लोग मीडिया के लोग हैं अच्छी तरह याद होगा कि बहुत सारे सांसद को खरीद करके, खरीदने का प्रचलन का शुरुआत किए और खरीद करके 5 साल चलाए। अटल जी प्रधानमंत्री 5 साल चलाए, वो 28 गो दल को नया समीकरण जो NDA बनाए, लेकिन गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री 5 साल क्यों नहीं टिकते थे? सोनिया गांधी जैसे ही गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री और देश का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री ईमानदार व्यक्ति मनमोहन सिंह को बना दिए, और वही अगर प्रणब मुखर्जी ब्राह्मण समाज के आदमी को बना देते तो शायद इस देश में भूकंप नहीं आता, हिंदू खतरा में नहीं होता। प्रणब मुखर्जी को अगर बना दिया जाता तो पहले प्रणब मुखर्जी को भी लोग सोचते थे कि कांग्रेसी हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो RSS के में जाकर के ज्वाइन कर लिए, RSS के भक्त भी हो गए, क्योंकि बचपन से ही जिस जाति में जन्म लेता है मानसिकता उसी का होता है। आप लोग सभी जानते हैं चाहे वह न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, वह व्यक्ति सबसे पहला वह किस जाति से है वह अपने मानसिकता को परिपक्व है और वही काम करता है। इसका उदाहरण बहुत इतिहास है। और मनमोहन सिंह 2 टर्म प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इस देश में क्या ऐसा खतरा आ गया जो हिंदू खतरा में हो गया, जबकि सब दिन ब्राह्मणे प्रधानमंत्री, हिंदुए प्रधानमंत्री रहे, और यही सब कारण है। और पिछड़ा उसका झोला ढोते रह जाएगा और झंडा ढोते रह गया। लेकिन आज तो पिछड़ा प्रधानमंत्री है, ये मुखौटा है, RSS का बंधुआ मजदूर है, कोई चाय बेचते नहीं देखा लेकिन देश बेचते देख रहा है इनको, कोई चाय बेचते इनको नहीं देखा लेकिन देश बेचते देख रहा है। जिस समय वोट लेना होता है ना उस समय ये पिछड़ा हो जाते हैं, जिस तरह ब्राह्मण लोग पिछड़ा से हरिजन से वोट लेना होता है तो वह हिंदू बना देते हैं, और वोट जैसे ही ले लेते हैं तो वह फिर हरिजन हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है, वह ब्राह्मण का ही मुखौटा है मोदी जी। पिछड़ों को तो बहुत उम्मीद था कि मोदी जी पिछड़ों की प्रधानमंत्री है तो कुछ पिछड़ों के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिनको उम्मीद था, जो अपने आप को उस रूप में जो ढाले हुए हैं अपने सुख सुविधा में, बहुत से ऐसी पिछड़ा नेता भी हैं उनके समर्थक, लेकिन उस दल में वन मैन शो हिटलर के तरह चलता है। जैसे हिटलर वन मैन शो है कि जो कहा वही सबको लागू करना है। मोदी जी के अलावा किसी MP को ताकत है क्या कि कोई कुछ बोल दे, कोई मंत्री की ताकत है क्या कोई कुछ बोल दे, और मोदी जी वही बोलेंगे जो मोहन भागवत बोलेंगे। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग उनके साथ हैं तो महान मूर्ख बन रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। राज्य सरकार से आप लोग मांग करते हैं कि यहाँ पर भी झारखंड में जातीय जनगणना होना चाहिए। हम लोग सभी राज्य से मांग किए हुए हैं, यहाँ के भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यह वादा किए हैं कि हम लोग यहाँ भी जातीय जनगणना कराएंगे।
जैसे बिहार में हो रहा है। ये थे हमारे साथ में धनबाद से आए चंद्रदेव यादव जी, और पिछड़ों के लोग कई बातें कहे हैं, सुनना भी चाहिए। आज देश में चाहे झारखंड राज्य में पिछड़ों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसी को लेकर एक महासम्मेलन आज दुमका में हो रहा है, दुमका के इंडोर स्टेडियम में। और भी आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे, बने रहिए आप लोग जोहार न्यूज़ साथ, धन्यवाद। 12 वर्षों से संताल परगना में उच्च शिक्षा का अलग जगा रहे संत जेवियर्स कॉलेज महारो दुमका, विशाल भूखंड और अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित इस कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए पाठ्यक्रमों का अध्यापन कराया जाता है। क्वालिफाइड लेक्चरर, वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी एंड लैब, रेगुलर क्लासेस, बिग प्लेग्राउंड, ऑडियो विजुअल स्मार्ट क्लासरूम, वाईफाई एंड होस्टल फैसिलिटी, स्कॉलरशिप, जॉब प्लेसमेंट, एडमिशन इज गोइंग ऑन, हरी अप। सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो दुमका, हेल्पलाइन नंबर 7762906363।